प्रकार ठीक है। ये मेरा मम्मी, ये मेरा पापा काट, यहाँ पे नाना ककड़ी काट रहा, और यहाँ पे मामी है। और घूम फिर के फिर से आ गया ये पाइप खींचने। यहाँ क्या पाइप तोड़ के रखेगा, पाइप तोड़ के रखेगा है? मत तोड़ो यार वो पाइप, मत तोड़ो, अरे मत तोड़ो वो पाइप, गिला हो जाएगा फिर अंदर, तब फिसलोगे यहाँ अंदर। और नहीं राधे राधे, आज सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा भवना स्वागत करती हूँ आपका काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। तो आज मौसम की बात करूँ तो बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है और आसमान पर एक भी बादल नजर नहीं आ रहा है। आज पूरा आसमान नीला दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी एक बादल नजर नहीं आ रहा है और काफ़ी प्यारी धूप लगी हुई है। और सभी लोगों ने अपने छतों पर कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं। जहाँ भी नजर पड़ रही है वहाँ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं छतों के ऊपर। और आज हम भी सोच रहे हैं क्यों ना आज हम भी अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं। तो हम सोच रहे हैं पहले अपने नीचे वाले कमरे का जो सामान है उसको सुखाने के लिए डालते हैं, जो भी वहाँ पे कपड़े वगैरह हैं उनको सुखाते हैं। तो आज तो उतना ही हो पाएगा, उसके बाद कल भी अगर धूप लगी रहेगी तो कल फिर ऊपर का काम करेंगे। और यहाँ अंदर हमारी दादी अभी सो रखी है, अभी नींद आ रखी है दादी को। अरे मैंने उठा दिया, सो जा। तो यहाँ पर दादी सो रखी है। और यहाँ अंदर की बात करूँ तो यहाँ अंदर मम्मी देखते हैं क्या कर रही है। तो यहाँ मम्मी टमाटर काट रही है, ये देखिए मम्मी का टमाटर काटने का स्टाइल। ये सब्जी पापा के लिए बन रही है सोयाबीन की, और यहाँ पर मम्मी उसी के लिए टमाटर काट रही है। तो यहाँ पर कार्तिक का पानी भी गर्म हो गया है। जल्दी से पहले कार्तिक को नहलाते हैं, उसको नहला धुला के उसका जो भी काम होता है उसको करके उसके बाद अपने काम करेंगे। मैं अभी छत पे आई हूँ और छत पे हमने इतने सारे कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं। तो अभी तक हम नीचे से यही कपड़े ऊपर डाल रहे थे और अभी और भी कपड़े हैं नीचे। तो अब फिर से नीचे जाती हूँ और नीचे जो और कपड़े हैं उनको धूप पे सुखाने के लिए लाते हैं। और मेरी आंखों में यहाँ देखो बिल्कुल ना आंसू आ गए हैं, इतनी तेज धूप लग रही है। और यहाँ सामने से बादल लगना भी शुरू हो गया है, यहाँ से काफी बादल आ रहे हैं। तो ये छत तो यहाँ से तार वार हमारी सारी फुल हो गई हैं और यहाँ जंगले भी फुल हो गए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जो ये जगह है इस साइड, तो यहाँ गद्दे खड़े कर देते हैं। तो चलिए लेके आते हैं नीचे के गद्दों को ऊपर। यहाँ पर हमने कार्तिक के कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं और यहाँ नीचे पे भी काफी कपड़े डाले हुए हैं और उस साइड को भी हमने सारे कपड़े डाले हुए हैं। और यहाँ मम्मी नींबू पानी पी रही है, दादी तो अभी तक यहाँ पर बैठी हुई थी और अभी दादी अंदर जा चुकी है। बालों पे तेल लगा रही थी लेकिन ये नारियल का तेल पूरा जमा हुआ है, तो समझ सकते हो आप कि दो दिन की बारिश से कितना ठंडा हुआ होगा कि तेल ही जम गया। इसे मैंने धूप पे रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा पिघल जाए, तो बाद में ही तेल लगाऊंगी। और भाभी अपनी साड़ियाँ डाल रही है और यहाँ पर मम्मी बोल रही है कि बाकी कपड़े मत लाओ ऊपर क्योंकि मौसम किसी भी टाइम खराब हो सकता है, कि उन्हीं को पैक करने में टाइम लग जाएगा अगर अचानक से बारिश हो गई। तो हम नीचे जाते हैं, थोड़ा वहाँ सफाई सफाई करते हैं और जो बाकी ऐसी रजाई वगैरह है उनको निकाल के रख देते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, सुबह से लगे हुए हैं कपड़े ऊपर ले जाने पे। तो चलिए जरा यहाँ भी देखते हैं क्या काम और बचा हुआ है। तो ये भी गद्दे हैं जो अभी हमें सुखाने हैं, ये एक्स्ट्रा गद्दे हैं यहाँ पे और अभी सोफे की एक गद्दियाँ भी सुखानी है। और इस दीवान का तो हम सारा खाली कर चुके हैं, सारे कपड़े छत पे जा रखे हैं इस दीवान के, और अभी इन सोफों की गद्दियाँ भी सुखानी है हमें। और इस संदूक में भी रजाइयाँ हैं तो ये भी हमें सुखानी है। मम्मी ने तो मना कर दिया कि आज नहीं सुखाने हैं क्योंकि अभी जितने कपड़े छत पे हैं उनको पैक वैक करके संभाल लो, फिर कल अगर धूप लगेगी तो कल फिर हम गद्दे ही गद्दे सुखाएंगे। क्यों भाभी? नजर अपने गुल्लक में।
भरेगा कब फोड़ूंगी मैं। और भाभी का कहना है कि इनकी नजर अपने गुल्लक पे है कि वो कब भरे और कब मैं उसको फोड़ू। यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने अपना गुल्लक, ये देखिए आप इतना बड़ा गुल्लक लेके आए हैं, इसमें तो 1 लाख के समथिंग तो इसमें जमा हो ही जाएगी, इतना बड़ा गुल्लक है ये। वैसे फोड़ने के लिए फोड़ भी सकते हैं, मेरी नजर वही जा रही है, पुष्पा की नजर भी वही है कि कब मैं फोड़ू। और एक शर्त लगाई हुई हमने, भाभी इसलिए चुप है बैठी हुई, अगर भाभी ने मेरा गुल्लक फोड़ा तो समझो कि उनका गुल्लक तो पता भी नहीं चलेगा उनको कि कब फूटेगा। तो मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा पैसे तो भाभी के गुल्लक में होंगे, तो मैं मतलब बेहिचक बोलती हूँ फोड़ दो, लेकिन आपके गुल्लक के सारे पैसे मेरे। इस डर से भाभी मेरे गुल्लक में हाथ ही नहीं लगाती है, क्योंकि उनको पता है मेरे गुल्लक में 2000 तक मिल जाएंगे, लेकिन इनके गुल्लक में मुझे अच्छा खासा मिल ही जाएगा जो भी होगा, 10-12 हजार मिल ही जाएंगे। तो फायदा हर जगह से मेरा है। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे के कमरे से ऊपर, तो यहाँ पर पुष्पा थक के अभी केला खा रही है। पुष्पा क्या कर रही है, क्या कर रहे हो आप? केला खा रही। और क्या? अच्छा मेरी हेल्प करोगे आज? ऐसी नौबत भी मुझे जो फट मुंह पे ना बोल देती है बिल्कुल। अंदर में और मैं अंदर जाता पैकेट या पैकेट पी के, ये मेरा मम्मी, ये मेरे पापा। और जब मैं नानी से उसके पास जाता, मैं नानी के पास और मैं नानी के पास जाता, और यहाँ पे गुन्नी है, यहाँ पे मौसी है, और मैं जाता और यहाँ पे नाना ककड़ी काट, यहाँ पे नाना ककड़ी काटता, और यहाँ पे मामी है, और यहाँ पे नानी ऊपर वाली, इतना बड़ा नानी। और मैं जाता घर में, और यहाँ पे एक बुड्ढी है, और मैं फोन देख लेता था। और शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ से धूप भी जा चुकी है और हल्की ठंडी हवाएं चल रही है और सूर्य देव तो जा चुके हैं और हमारी दादी यहाँ पर बैठी हुई है, अकेले बैठी हुई है। आजकल यहाँ पे कोई है नहीं क्योंकि सब लोग काम से इधर उधर गए हैं, तो दादी यहाँ पर अकेले बैठी हुई है। और दादी की आज इच्छा हुई थी मैगी खिलाने की, तो आखिरकार मैंने मैगी खिलाई दी है। दादी कैसी हो रही थी? बढ़िया हो रही थी। तो भाई दादी ने मैगी खा ली, तो दादी को तसल्ली हो गई है, क्योंकि दादी लगी हुई थी कि मुझे चाउमीन खानी है, मैगी खानी है। तो मैंने सोचा कि ये मैगी बनाई लेते हैं, चाउमीन तो फिर भी बहुत हैवी हो जाता है, तो मैगी थोड़ा ठीक है। और यहाँ पर ये अंडी जी अपने गेहूं को छान रही हैं जो उन्होंने यहाँ पे सुखाने डाले थे। क्या दादी, क्या चाउमीन खाते? चाउमीन खाने खाने घर है बनाऊं, बढ़िया बनाऊंगी फोटो, बढ़िया चाउमीन खाने। तो भाई दादी कह रही है कि मैंने चाउमीन खानी है और वो घर पे ही बनेगी, मतलब मेरे लिए कह रही है कि तू घर पे बनाना चाउमीन। ठीक है दादी, तब बनाएंगे हम एक दिन चाउमीन, ठीक है? तो ठीक हो जाओ और तब बनाएंगे, ठीक है? दादी के साथ कोई नहीं अभी बैठने के लिए ना, थोड़ा ऐसे कि टाइम क्या करे, है ही नहीं यहाँ कोई बूढ़े लोग ऐसे ना। सब है नी दादी। और हम अभी खाने की तैयारी में लगे हुए हैं और मैंने यहाँ पे सब्जी भी बना दी, और मैंने भाभी को बोला है कि आप सैंडविच बना लो, क्योंकि कल भाभी ने इतना अच्छा सैंडविच बनाया था कि भाई मजा ही आ गया था खा के। तो मैंने कहा थोड़ा नया ट्विस्ट करके उसमें फिर से बना दो। जो भाभी ने ब्रेड के अंदर रखने के लिए फिलिंग बनाई है, तो मैं दिखाती हूँ कि उसमें भाभी ने क्या क्या डाला है।
तो ये भाभी ने सैंडविच के अंदर के लिए बनाया है। इसमें भाभी ने प्याज काटा है, टमाटर काटा है, आलू है, हरी मिर्च है और मसाला डाल के भाभी ने उसे अच्छे से फ्राई किया है और इसमें हल्का अजवाइन भी डाल रखा है भाभी ने। साथ ही भाभी ने यहाँ पे और अजवाइन के साथ साथ इसमें जख्या भी डाला है और यहाँ पर भाभी ने ये मियोनी लाई है और जैम लाया है और वहाँ पे ब्रेड रखा हुआ है। बाकी हमारी सब्जी तो बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ हमारे सिंक में काफी बर्तन भर गए हैं तो जल्दी से मैं इनको धो देती हूँ। तो अब जल्दी से उसके बाद रोटी बनाएंगे हम। तो भाई हमारा आज का रात का खाना सैंडविच है क्योंकि मुझे कल का सैंडविच काफी अच्छा लगा था तो मैंने भाभी से भी जबरदस्ती करके बनवाया है और आज का सैंडविच पुष्पा को उससे भी ज्यादा उससे भी अच्छा लगेगा तो रोज बनवाएंगे और हम रोज खाएंगे, है ना। और यहाँ पर ये देखिए कार्तिक को बस ये ना वॉश बेसिन का जो पाइप है इसको खींचने पे लगा हुआ है, इसको बस घूम फिर के ना यहीं पे आ जाता है। और कार्तिक को घुमाने की ड्यूटी पापा की लगी हुई है। और यहाँ पर दादी ने अभी दलिया खाया है तो दादी कह रही है कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? दादी कह रही है कि मुझे सब्जी दे देना टेस्ट करने के लिए, बाकी रोटी मैं नहीं खाऊंगी। तो चलिए आप जल्दी से खाना बना लेते हैं। और यहाँ देखिए ये अपने आप चलने लग गया है भाई। अब जैसे इसको रख दो यहाँ वॉकर पे ये चलने लगता है। और उसके बाद यहाँ पे जाके इसको दिखता है यहाँ दरवाजे का जो ये काटा हुआ है यहाँ पे, तो इसको देखता और यहीं पे रुक जाता है कि और काट दूं मैं उसको। ये देखो घूम फिर के वहीं पे जाता है। आजा आजा गगू आजा अंदर आजा आजा बच्चे आजा मेरे बच्चे आजा 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 ये देखो ये देखो। और घूम फिर के फिर से आ गया ये पाइप खींचने। यहाँ क्या पाइप तोड़ के रखेगा? पाइप तोड़ के रखेगा है? मत तोड़ो यार वो पाइप, मत तोड़ो। अरे मत तोड़ो वो पाइप, गिला हो जाएगा फिर अंदर, तब फिसलोगे यहाँ अंदर। और नहीं ये इसने माननी नहीं है, ये तोड़ के ही रहेगा उसको। ये देखो उसको खींचने पर लगा हुआ है, बड़ा हुआ भी नहीं है उतना। हम सब लोगों ने खाना भी खा लिया है और मैं यहाँ पे सोने के लिए आ गई हूँ। आज तो पूरा दिन वही था कि कपड़े बटोरे हम दोनों ने, नीचे की जो सेटिंग थी वो की, उसके बाद जाना तो कहीं हुआ नहीं, बस घर पे ही थे और इसी काम में लगे हुए थे। और अगर अब आगे मौसम साफ रहेगा तो बाकी जो कपड़े हैं वो भी सुखाएंगे। तो देखते हैं आगे की मौसम कैसा रहता है, बारिश होती है या लगातार धूप रहती है। हम तो चाहते हैं कि अब थोड़ा धूप लगे तो बाकी जो काम होते हैं वो भी निपट जाएंगे। तो अब देखो वो तो हमारे हाथ में है नहीं कि मौसम कैसा रहता है। यहाँ का मौसम तो आजकल ऐसा बदल रहा है कि जैसी मतलब कभी तो इतनी तेज धूप लग रही है कि लग रहा है कि अब बारिश नहीं होगी और अगले ही पल में यहाँ बारिश शुरू हो जा रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सभी लोग अब सो गए हैं और मैं आज के ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें जैसे आप सब लोग दे रहे हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय देवभूमि उत्तराखंड।